कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। भव्य बंधु, यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें प्रबंधन सीखना चाहिए। प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट। अगर अपन प्रबंधन सीख गए तो ये मान के चलना कि सक्सेस भी आपके पास है, सफलता भी आपके पास है। चाहे किसी को पढ़ाई करना हो, चाहे पैसा कमाना हो, परिवार संभालना हो, मोक्ष मार्ग में आना हो, भोजन बनाना हो, सोना हो, खाना हो, पैसा कमाना हो, जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें प्रबंधन आवश्यक है। इसी को आपकी भाषा में कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। एक मैनेजमेंट होता है बाहर का, जो बाहर की दुनिया का है, कैसे कपड़े पहनना है, क्या खाना है, कैसा जीना है, ये बाहर का मैनेजमेंट है कि हम घर पर कौन सा इंटीरियर कराएंगे, अभिषेक कितने बजे करना है, पैसा कितना कमाना है, ये बाहर का मैनेजमेंट है। एक मैनेजमेंट होता है अंदर का, उसको कहते हैं इंटरनल मैनेजमेंट। और ये सारा इंटरनल मैनेजमेंट आप ही करते हैं, आप ही सीखते हैं और आपका ही करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक ने भोजन बनाया, स्वयं बनाया और स्वयं खाया, ये इंटरनल मैनेजमेंट है कि स्वयं का करना और स्वयं के लिए करना। आज की नीति कह रही है कि बाहरी मैनेजमेंट की अपेक्षा अंदर का मैनेजमेंट करें। बाहर की चीज़ें मैनेज करने की अपेक्षा आप अंदर की चीज़ें मैनेज करें तो आपको जो बाहर मैनेजमेंट नहीं भी है वो मैनेज लगेगा। कई बार होता ही है कि बाहर की चीज़ें मिसमैनेज होती हैं और उसके कारण आपका इंटरनल मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है, फिर आपको क्रोध आता है, फिर आपको दुख होता है। कह रहे हैं कि चाहे क्रोध हो या आलस, मान का भाव हो या मायाचारी का, सफलता हो या निराशा, हर एक परिस्थिति में अंदर का इंटरनल मैनेजमेंट आवश्यक है। कई बार आपको लगता है कि क्रोध आता है, कई बार लगता है कि मैं पढ़ने बैठा हूं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कई बार लगता है मैं व्यापार कर रहा हूं कर नहीं पा रहा हूं। ये भूल जाइए कि बाहर वाला कुछ करता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो गलती आपकी नहीं, आपके इंटरनल मैनेजमेंट की कमी की है। और आपको इंटरनल मैनेजमेंट करना चाहिए कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, उसके पीछे क्या क्या करना है। जैसे आप बैठे और आप मंदिर में थे, वस्त्र शुद्ध थे, अथवा आप पूजा कर रहे थे और किसी का धक्का लग गया, आपकी द्रव्य गिर गई, आपकी पूजन सामग्री गिर गई। अब देखना, खोजना, वहां क्रोध आ रहा कि नहीं। तो द्रव्य गिरने से क्रोध नहीं आया, आपका अंदर का मैनेजमेंट बिगड़ गया है, आपका पेशेंस चला गया है। कोई बात नहीं, द्रव्य गिर गई, फिर से धो लो। क्रोध आता ना किसी को, ये समझ लेना कि इंटरनल मैनेजमेंट की कमी है। अगर आपको मान का साय आ रही है तो आपके इंटरनल मैनेजमेंट की कमी है। जैसे आप देखो कि जब कई संप्रदायों में जमीन में उनके शरीर को गाड़ा जाता है मरने के बाद, तो मैनेजमेंट करते उसमें नमक डालते हैं। क्यों? आप भी कहीं संस्कार करने जाते हो, जलाने जाते हो, तो अगर देखते हो लकड़ी गीली तो मिट्टी का तेल भी या कोई और चीज भी प्रयोग की जाती, सही है ना, ताकि आग, यही तो मैनेजमेंट है, वो अंदर की चीज बाहर ना आ जाए, वो अंदर की चीज बाहर ना आ जाए, यही इंटरनल मैनेजमेंट है। आज समझते हैं अपन इंटरनल मैनेजमेंट को, तो कैसे करेंगे हम इंटरनल मैनेजमेंट? तो पहली बात कह रहे हैं स्वयं को समझें, और दूसरी बात है स्वयं को समझाएं। पहले आप अपनी प्रकृति समझें। पहले क्या करना है आपको? अपना नेचर, अपनी प्रकृति समझना है कि हमारा नेचर क्या है,
हमको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, इन सब चीज़ों को समझें। जो जो पसंद है उस पर काम नहीं करना, जो जो नहीं पसंद है उस पर काम करना है। ये स्वयं को समझें और फिर स्वयं को समझाएं कि ये चीज़ अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, यू विल हैव टू फेस, क्योंकि ये लाइफ का फेस है। अच्छा बुरा होना है लाइफ का फेस है। मौसम बदलता कि नहीं, ठंडी नहीं होगी तो गर्मी भी नहीं आएगी, गर्मी नहीं होगी तो बरसात भी नहीं आएगी, और बरसात नहीं आएगी तो ठंडी नहीं होगी। एक दूसरे सब कनेक्टेड है, यही मैनेजमेंट प्रकृति का मैनेजमेंट है, तो यही मैनेजमेंट अपने अंदर भी होना चाहिए। तीसरी बात, सेल्फ एनालिसिस करें, जिसको कहते हैं कि स्वयं का आकलन, कि मैं कितना पोटेंशियलवान हूँ, मैं सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। स्वयं का एनालिसिस करना है कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। कई बार देखना आप, कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी मैं जिसको पैसा उधार देता हूँ डूब जाता है, जिसके लिए काम करता हूँ वो धोखा दे जाता है, लोग काम निकाल के छोड़ देते हैं, ऐसा लोग मुझसे कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब आपको मालूम चल गया है कि लोग तुमसे पैसा लेकर के खा लेते हैं तो पैसा देना बंद कर दो, यही तो मैनेजमेंट है। आपको पता है कि आप लोगों का काम करोगे और लोग आपको बाद में पूछेंगे नहीं, ना आपको प्रशंसा करेंगे ना आपको क्रेडिट देंगे, मालूम चल गया ना, तो दूसरों की उतनी ही मदद करो। यही तो अपन सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ मैनेजमेंट है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग सेल्फ की करते रहिए। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करते रहे तो कभी आपका इंटरनल मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ऐसे तीन चार प्लान्स लेके चले। जब कोई शतरंज खेलता है, अगर वो घोड़ा चलेगा तो मैं ऊँट चलूँगा, वो ऊँट चलेगा तो मैं हाथी चलूँगा, अगर उसने पैदल चला तो मैं अपना ये वजीर निकालूंगा, ये चार पांच आगे के स्टेप्स लेके आप चलते हो। यही इंटरनल मैनेजमेंट है, प्लानिंग, सेल्फ प्लानिंग। और एक विशेष बात कहता हूं, प्लान मैनेजमेंट में एक होता है एचआर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज। यही चीज आपको अपने अंदर करना है। अपन एक ह्यूमन है, अपन एक रिसोर्स है, और अपन अपना यूज कितना कर रहे हैं। आप लोगों में से मेरे ख्याल से भारत ने विश्व में 5% लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा पोटेंशियल, पूरा डेडिकेशन देते हैं, और वो 5% ही सक्सेस होते हैं। आप अपना बिजनेस में 100% देते क्या, स्टडीज में दिया क्या, तो नहीं मिलेगी सफलता। आप जितना परसेंटेज दोगे आपको रिटर्न भी उतना ही मिलेगा ना। आपने 1,00,000 रुपये बैंक में रखे हैं तो वापस भी आपको इंटरेस्ट 1,00,000 का आएगा, 1,00,00,000 का नहीं आएगा। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अपना सेल्फ। और आखिरी और मुख्य बात, अपने आप की रिसर्च करते रहें। इंटरेस्ट ऑफ फील्ड मेरा क्या है, क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, कोई किस किस चीज़ों से मुझे दुख मिलता है। इन सारे इंटरनल मैनेजमेंट को करने के बाद जिस दिन आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, दुनिया आपके हाथों से मैनेज होगी। अंदर को मैनेज ना कर पाने पर आप जिंदा तो रह सकते हैं, अंदर को मैनेज ना कर पाने पर आप जिंदा तो रह सकते हैं, मगर सुख, शांति, खुश, सुखी जीवन ये नहीं रह पाएगा। खुश, शांत और सुखी जीवन के लिए आपको इंटरनल मैनेजमेंट में ही आना पड़ेगा। ये आज की नीति है। जब भी क्रोध आए ये मत सोचना कि मैं क्रोधी हूं, ये सोचना कि मैं प्रबंधन शून्य हूं, मुझ में मैनेजमेंट नहीं है। अभी नहीं कहना, अभी शांत रहो। जब क्रोध आए किसी के ऊपर या मान आए तो बोलना ठंडे रहो। क्रोध करने से काम नहीं बनता, काम मैनेजमेंट करने से बनता है। ये अपनी आज की नीति है, इसको अपने जीवन में उतारना, तब आप ऐसे मैनेजमेंट अधिकारी बनेंगे सेल्फ के कि आप जहां जो हाथ डालेंगे सारे काम आपके सफल होंगे। शेष अपन इसके आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की।
नीति क्लास।